भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों की नजर दलित वोट बैंक पर है, इसलिए जगह जगह दलित सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने उन्हें रुझाने के लिए अनुसूचित जाति विभाग को सक्रिय कर दिया है। मत प्राप्त करने के लिए दलितों को सम्मानित किया जा रहा है, उनके बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोई न कोई कोशिश की जा रही है। वाल्मीकि दिवस पर कारगिल कॉलोनी में भाजपा ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सांसद वीरेंद्र कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ ही भाजपा प्रवक्ता रेणु सेठी, नगर परिषद के उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, भाजयुमो जिला अध्यक्ष भरत सहनी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि करीबन 6 दशक तक कांग्रेस ने राज किया है तो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, और आज उन्हें जब ये पता चला है कि वे सत्ता से बाहर होने वाले हैं तो उन्हें अचानक दलितों की याद आ गई है। लेकिन दलित समाज उनकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए वे कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के साथ खड़े हैं। अब यही वर्ग प्रदेश में उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आज वो दलित विकास की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं इस अवसर पर कि क्या आप 60-65 साल तक जो हैं, जिन लोगों ने आपकी सरकार बनाई, जिन दलितों ने आपकी बार बार सरकार बनाई, आज तक आप उनके विकास के बारे में नहीं सोचते थे? आज जब आप सरकार से बाहर हो रहे हैं, प्रदेश में इस प्रकार के आप दलित विकास के सम्मेलन कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पर भी इनके सम्मेलन हुए पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। यहां सोलन में भी जिला स्तरीय एक सम्मेलन हुआ, कुल उसमें 57 लोग थे। आने वाले समय में अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में मैं कह सकता हूं कि दलित समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है।